अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। वैसे तो हमारा ये नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही डेट्स यही सब कुछ यूज़ करते हैं, तो फिर हम इसको मानते भी हैं, तो ये न्यू ईयर तो है ही है। खैर, आज मैं जाने लगी थी न्यू ईयर के लिए केक बनाने, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे केक की रेसिपी जो है वो शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप केक की रेसिपी शेयर करूं। मैंने बनाना है पतीले में केक। ये मैंने पतीली जो है ना प्री हीट करने के लिए रख दी है। इसकी जो फ्लेम है हम इसको दम वाली फ्लेम में कर देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। बस अब ये प्री हीट होगी, तब तक हम अपना केक को जो है ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अब जो आपका मोल्ड है उसको आप जो है इसे सेट कर लें, इसे ग्रीस कर लें। ये मैंने नीचे ऑयल लगा के, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ये पेपर लगा के इसको अच्छा सा ग्रीस कर लिया, ताकि जैसे ही हमारा ये रेडी हो तो हम जल्दी से जो केक का बैटर है इसमें डाल दें। ये मेरा जो है ना वो प्री हीट हो रहा है। अब जो है सबसे पहले मैंने लिए 3 eggs। अब मैं इसको बीट करूँगी, इतना बीट करूँगी कि ये फॉर्म की जो है ना शेप में आ जाए। तो मैं बीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा है कितना फॉमी सा हो गया है और ये कितना साइज़ में डबल हो गया। अभी हम सिर्फ जो है ना इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो है एग को 5 मिनट अच्छा सा बीट कर लिया। ये मेरे पास शुगर है, ये हम तकरीबन 1/4 कप लेंगे, 1 कप से थोड़ी सी कम, ठीक है। फिर हम इसके साथ बीट करेंगे इसको, और फिर हम इसमें ऑयल और दूध डाल के जो है ना वेट इंग्रेडिएंट्स वो सारे डालेंगे, और उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको फोल्ड कर देंगे। आपके एग की फॉर्म ये होनी चाहिए जैसी मेरी आ रही है। केक का टेक्सचर चेक करें आप। अभी इसमें सिर्फ चीनी और रह गया, तो ये कितना क्रीमी जो है ना बैटर रेडी हो गया। अब हमने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना है। आप बटर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और साथ हमने इसमें दूध ऐड कर देना है 1/2 कप, और हमें इसको अच्छे से जो है ना बीट कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बीट कर लिया, तो ये एक ऐसा सा टेक्सचर आ रहा है। आपने चेक कर लेना है कि आपकी शुगर, तो मैंने पाउडर यूज़ की थी, फिर भी अगर शुगर आपको लगे कि नीचे बैठी हुई है तो आप उसको दोबारा से बीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमने जो है ना वेट इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं हम वो डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मैदा लेना है, जो कि मैंने अभी 1 कप डाला, और ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर इसी में ऐड कर देना, और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको मिक्स करके इसे फोल्ड करना है। फिर हमने बीट नहीं करना, इसको स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेनर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मैदा आपने ऐसे अपने बैटर में छान के डालना है, ताकि जो ये है ये निकल जाए वेस्ट, और ये आराम से आपके उसमें डल जाए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, और मैं आपको फोल्ड करके फिर इसकी लुक दिखाती हूँ। और इसको एक साइड पे ही फोल्ड करना है आपने अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखें किस कदर प्यारा जो है मेरा बैटर रेडी हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और फिर ये जो हमारा पतीला प्री हीट हो रहा था, हम इसमें रखेंगे स्टैंड, ठीक है, और हम इसको उठा कर अपने केक को आराम से सीधा सीधा इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। रख के हमने इसको कवर करना है, और मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ। पहले 2 to 3 मिनट्स हम इसका फ्लेम थोड़ा सा जो है ना तेज़ रखेंगे, और फिर हम इसको लो फ्लेम पे जो है ना तकरीबन 40 मिनट्स बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हैप्पी न्यू ईयर का जो केक है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने वाइट आइसिंग के साथ ये सारा कुछ किया, लेकिन मैं वो क्लिप बनाना नहीं भूल गई। फ्रेंड्स, मामा क्लिप बनाना भूल गई, पर हमारा देखिए कितना अच्छा केक बना। देखिए, मैंने इस पे एक मिनट बैठे छाड़े, व्हाइट कलर से क्रीम से मैंने इसकी वो सारी आइसिंग की है, और यहाँ पे मैंने पिंक कलर ऐड करके वो कलर उधर पड़ा है, ये मैंने इसमें ऐड किया, और फिर मैंने इसको हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोगों को भी हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने न्यू ईयर के लिए नाजिमल के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, और वो आ गया है। और वो गिफ्ट मैंने जी मार्ट से ऑर्डर किया था। आप लोगों को भी ऑनलाइन कोई चीज़ चाहिए हो तो आप वहाँ से जो है ना ले सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब ये नाजिमल को हम देते हैं गिफ्ट। तो ये फ्रेंड्स, नाजिमल के लिए मैंने मंगवाया था गिफ्ट। कैसा है? ओपन करके दिखाएं। ये मैंने इनको न्यू ईयर का जो है ना गिफ्ट किया, वहां से नीचे से खोले ना आराम से ऐसे। वाह,
स्टार्स भी है इधर, देखें दोनों। हाँ जी, इसके अंदर दिखाएं जिमल, आप अपना दिखाएं। नहीं ये दिखाएं, ये है जी जिमल का यूनिकॉर्न पाउच और ये इसकी स्ट्रिप है और वो अनाया का। नाया भी अपना दिखाएं। जबरदस्त दिखाएं, मुझे दिखाएं ये। हैप्पी आप उनकी आवाज में फ्रेंड्स को बोल दें। तो फ्रेंड्स ये देखें, नाया जिमल ने अपने बैग्स के साथ जो है ना ये पहन के दिखाएं। ये अगर आपको भी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स चाहिए स्टेशनरी की तो आप जिमल से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जिमल दिखाएं आप भी। जिमल ने पर्पल ले लिया और नाया को पिंक दे दिया है। मिल मिल कर खेलेंगी दोनों। तो फ्रेंड्स अनाया जिमल जिद कर रही थी कि हमें बाहर लेकर जाएं, हमने देखना है, लेकिन आज तो मतलब फायर क्रैकर्स ऐसा कोई है नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, तो हम एक राउंड लगाने जा रहे हैं बाहर। तो जिमल आप अपनी जैकेट लेके आए दिखाएं। और फ्रेंड्स वहाँ पे पार्क भी है और हम पार्क भी जाएंगे। इस वक्त पार्क नहीं होता, बस 11:30 हो गए, तो इनका ज़रा शौक पूरा कर दें, इनको एक राउंड लगवा के लाएं। आए जिमल आए, आपको भी जैकेट पहनाऊं। तो बस फिर हम चलते हैं और फिर वापस आके इंशाल्लाह ताला हम केक कट करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। लेट्स गो। चला तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं, तो अब फाइनली जो है ना केक कटिंग की बारी आ गई। ये लोग कंबल में सब घुस के जो है ना केक काट रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ऊंचा बोले हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी हैप्पी न्यू कैलेंडर ईयर। और प्यारे बच्चे की तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारक है। और यहाँ पे जो ना ये मेरा केक है, आप इसकी लुक भी देख लें, कलर थोड़े लाइट है। और अनाया जी मैंने केक कट कर लिया ना, एक दफा हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं सबको जल्दी से। जी मैं आप भी हैप्पी न्यू ईयर। अब बच्चों की जो ना बैटरीज लो हो गई हैं, बस इसी के साथ जो है ना हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। जो और ये साल सबके लिए जो है बहुत खुश आइन साबित हो, दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। अल्लाह हाफिज़।